अकेला उस कच्चे 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 लाई वैसे पक्का छोड़ नहीं ये एक बीम था, एक वो बीम है, ये हमारा सारा बिल्डिंग का व्यू ख़राब कर रहा है। तो मैंने इनको बोला ये बीम उठा के इधर लेके आओ नुक्कड़ में, तो जो पहला बीम है उसके साथ ही बिल्डिंग के साथ चले, ये जो बीम है उधर अंदर आ जाए उसी के साथ चले, बिल्डिंग की बाहर लुक ख़राब ना हो, जगह ना हो। और जो हमारा जो आखिरी बीम था ये वाला, इसको मैंने बोला इधर नुक्कड़ में ले आओ, ये सारी जगह बच जाए और ऊपर से भी व्यू साफ हो जाए। ये तो ब्लॉक का कट थोड़ा सा आता है, अप्लाई तो ज़्यादा हो रही है ना 3000 की। पहला ट्रिप आ गया 3000 ईंटों का, अब लोड हो रही है इधर से ऊपर जाएगी, ये टॉप फ्लोर के लिए आई है, एक ग्रेडी इधर से ऊपर जाती है, पहले ये मैन पावर के साथ जाती थी ऊपर से, उन्होंने लिफ्ट लगाई है यहाँ से, टाइम बच गया, ऊपर जाते हैं मजदूर देर लगाता था, अब यहाँ पे ये आती है, इसकी एवरेज है 1 मिनट के लिए नीचे जाती है और 1 मिनट में ऊपर आ जाती है, और ईच टाइम कोई 20 से 20 ईंटें लेके आती है, 20-25। साजी नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, लाइट लगा लो अगर दिखानी है। ये क्या हो रहा है? ऊपर काम शुरू है।
इसकी नहीं आन हुई अभी, लाइट आ गई है आज करना। सही है अस्सलामुअलैकुम सर दाऊद साहब, कल ये हमने शॉटरिंग डाली है और इसके ऊपर जो लेंटर था वो भी डाला, स्ट्रेसफुल डे था, बहुत स्ट्रेस थी, काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये सूख रहा है, सूखा भी है, इसके जो टैरिफ के ऊपर जो फ्लाक्स हैं अभी वो हम लगाएंगे, तो थोड़ी देर बाद वो काम भी शुरू हो जाएगा। ये सिचुएशन है कल के काम के जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग का जहाँ पे सारी बिल्डिंग खड़ी है, ये कॉलम पहले का बना हुआ है, ये वाला, ये हमने नया बनाया अब, ठीक है, ये अभी नया बना है। इसके साथ हमने एल शेप दी है, ठीक है, ये आइडिया दिया था आके कि इसको एल शेप आगे से बढ़ाया जाए, ठीक है। एक कॉलम ये हो गया, फिर दूसरा कॉलम ये है, ये पहले का कॉलम है, ठीक है, हमने ये नया निकाला, नीचे से ड्रिल करके ये लगाया, इसको हमने, इसको भी एल शेप दी है, जो पूरी बिल्डिंग को ये खिलारेगा, ठीक है। आगे चलें, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये बीम आ रहा है, ये कॉलम आ गए, ये बीम भी दिया नीचे, ये अब तीसरा हमने कॉलम दिया है, ठीक है, ये कॉलम है, इसके साथ भी हमने ये दी है शेप कि बिल्डिंग आगे से भी कंट्रोल हो, ठीक है। ये पीछे वाला बीम पुराना है, ये अगला बीम नया है, ठीक है। आगे आ जाएं, ये सीढ़ियाँ थी, ये हमने ख़त्म कर दी, यहाँ से नई सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, ठीक है। देखा, लगातार बीम आ रहा है, ये हमने सिर्फ पहले फ्लोर तक दिया है, ये वाला कॉलम इसकी सपोर्ट दी है बिल्डिंग की, सिर्फ इस कॉलम तक, पहले फ्लोर इसके ऊपर नहीं लेके गए, जो सबसे आखिरी है वो वाला है, वो एंड में, वो भी कॉलम वो जा रहा है, वो ऊपर तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आखिरी मंजर, ये सारा देखो कॉलम है, ये आखिरी ऊपर तक जाएगा, इसी तरह रूटीन जाएगी ऊपर तक, हर बिल्डिंग हर फ्लोर के साथ ये कॉलम जाएगा और ये बीम जाएगा हर एक के साथ, और ये वाले एल शेप बनेंगे। ये पहली शटरिंग थी, कल दूसरी हो गई है, अब उसके बाद तीसरी होनी है। मैं आपको जरा नीचे जाकर दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये बिल्डिंग देख सकते हो, ये स्टेप बाय स्टेप बनी है, ये इस तरह नहीं गिर रही थी, ये आगे की तरफ आ रही थी, तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमने ये दीवार बनाई है, ये तकरीबन 6 से 8 इंच की दीवार है, मजबूत दीवार बनाई है जो बिल्डिंग को अब स्टॉप करेगी, वरना बिल्डिंग आगे आ रही थी, ये ऊपर तक फिलिंग होगी, जहाँ तक सरिये नहीं है ये यहाँ तक फिलिंग होगी। अब इसलिए ऊपर फिलिंग नहीं की है क्योंकि कचरा गिर रहा है, ठीक है, तो ये हमने दीवार बनाई है, हमने पूरी बनानी थी, लेकिन ये साथ वालों ने अपनी मंजिल बनाई है, उन्होंने भी अपनी दीवार बना दी है, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बनाई है, जो हमें भी सेफ्टी मिल गई है। ऐसे ही देखें ना, ऊपर तक जाएगा हमारा होटल, ये लाल, ये जो लाल नहीं है, लाल लाल ग्रिल लगी है, इससे नीचे यहाँ तक है, ये वाला लेंटर जो लाल के ऊपर, ये भी आगे आ जाएगा। हमारी पहली शटरिंग हो गई है, अब दूसरी हो रही है,
इसी तरह ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक हम जाएंगे। ये जो ये वाला ना, ये वाला, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे 11 फुट, इसको टेरेस बनाएंगे ऊपर। लेकिन ये दीवार बहुत मजबूत है, सरियों के साथ हमने बनाई है, जिसने पूरी सेफ्टी की है, पूरी बिल्डिंग को आगे नहीं आने देगी, स्टॉप कर दिया हमने इधर। और इन्होंने भी बना दी थी, हमने बनानी थी लेकिन इन्होंने अपनी बना दी थी, उन्होंने भी स्टॉप कर दिया हमारा काम। तो आप ये देख सकते, ये दोबारा बीम और कॉलम बनाए हमने बिल्डिंग को उठाने के लिए, क्योंकि जो ऊपर वाले फ्लोर है, जो उन्होंने ऊपर अक्रोचमेंट की हुई है ऊपर वालों ने, उन्होंने सिर्फ इस पर खिलारा हुआ बिल्डिंग को, ये देखो इन्होंने इन पाइपों पर खिलारा हुआ है। ये आज सारी ईंट ऊपर चढ़ाई है, तकरीबन 3000 ईंट ऊपर लेके आए हैं। ये थोड़ा बहुत सामान आया था, ब्लॉक भी आए हैं, ये बड़ा एक हमारा इम्पोर्टेंट रूम है जो बनेगा। आई थिंक ये होटल का सबसे अच्छा रूम बनेगा, जिसका व्यू ये है, बड़ा प्यारा रूम, बड़ा प्यारा व्यू है। वो देखो ये मोटर पे जा रहा है हमारे नीचे, ये लिफ्ट काम कर रही है, इसको भी हम आगे लेके जाएंगे। अभी नहीं जाने हुए चाचा, ये पूरा कंक्रीट आपने डाला, मैं बोला करें, ये पूरा कंक्रीट आपने डाला ना, पूरा कंक्रीट, ठीक है ना, सुराख है, सब कुछ बंद है ना, सब बंद है ना, बाद में कोई मसला तो इसमें नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा ना, ठीक है ठीक है। मैं ये वीडियो सर को भेज रहा हूँ, सर को भेज रहा हूँ ये वीडियो, भेज दूँ, ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है ना।
कैंसिल कैंसिल वापस आई थिंक कल इसके ऊपर हम काम शुरू कर देंगे, ठीक है सर। ये आज का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऊपर वो जो सीमेंट और ये चुनाई वो भी हो रही है, ठीक है ना सर। आप शुक्र करो वो झटके से नीचे नहीं गिर गया। सर आज ये टाइल्स तकरीबन असर के नमाज के बाद शुरू हुई ना, तो ये काम निकला भी, ठीक है ना सर। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो के ज़रिए से, ये लेबर अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना सर। अभी ये जो मगरिब की नमाज है वो हो चुकी है, ठीक है सर। तकरीबन कल ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो वाशरूम है वो भी इंशाल्लाह कल तक फाइनल हो जाएगा इस वक्त। तो ये आज का प्रोग्रेस है, ठीक है सर। बाहर जाते हैं ना तो आगे उन कंपनी में रखा होता है बंदा, फोरमैन, और ये फोरमैन भी रहे हैं बाहर। अच्छा, फोरमैन वगैरह। और पानी टैंक के पर ही मैं पिछले सिरे देंगे पानी। ये चुनाई के लिए सर काम हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर लास्ट फ्लोर पे, ठीक है। चुनाई के लिए काम हो रहा है, ठीक है। चचा काम करने पे बिल्कुल तैयार बैठा है। तैयार के अच्छा लग रहा है, बहुत मानता है। उनसे गपशप रही, सियालकोट कभी कभार जाता था, बस वो मुझे सारा इन्होंने बताया। क्या हो सकता है, ठीक है आपकी बिल्कुल सर। सर ये देखो, ये लास्ट रूम है, इसके अंदर सेम कलर के जो टाइल्स है वो लग रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, हाँ ठीक है ना सर। और ये इंस्ट्रक्शन है साथ साहब की, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि खड़े खड़े लगाएं, लेटते हुए नहीं, ठीक है सर।
this is you call muddy. इधर अलमारी बनेगी। नहीं ये जो बचेगी। दूरियों दूरियों से मैंनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी ते मेरे सोने अगर आप ये देखो ना कॉलम यो ये वाला ऊपर वाला ये राइट साइड पे गिर गया हुआ है वजन के साथ ऊपर ये टेढ़ा हो गया हुआ है हमें इसे भी सीधा करना पड़ेगा बाकी ऑलमोस्ट ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है लेकिन जो ये पहले का बना हुआ है ना ये देख लो आपको महसूस होगा कि ये राइट साइड पे गिर गया हुआ है हेलो पीछे जा तो वाली स्टोर लगाई थी लाइक है तो वाली कैसी थी